अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बनाएंगे होममेड कैरेमल सॉस। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, 1 कप शुगर, 1 कप मिल्क, 220 ग्राम्स इसमें क्रीम जाएगी, 3 टेबलस्पून लिक्विड ग्लूकोज, 2 टेबलस्पून कॉर्न सिरप या गोल्डन सिरप, सी सॉल्ट और बटर 2 टेबलस्पून। आप इसे बना के रेफ्रिजरेटर में 2 मंथ्स के लिए ईजिली स्टोर कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसमें ऐड करनी है शुगर। शुगर को आपने तब तक हिलाते जाना है जब तक इसके जो क्रिस्टल हैं बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाएं और इसका प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। जैसे जैसे आप देखें कि जो शुगर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको स्पैचुला की मदद से हिलाते जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया और इसके क्रिस्टल भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही मेल्टेड फॉर्म में आ जाए, आपने इसके अंदर सबसे पहले ऐड करना है बटर। बटर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। बटर ऐड करने के बाद आपने इसे स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 कप मिल्क। 1 कप मिल्क ऐड करने के बाद आप इसे स्पैचुला से अच्छी तरह हिलाएं कि मिल्क और शुगर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इनको मिक्स करने के बाद आप इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे सी सॉल्ट। सी सॉल्ट डालने के बाद आप इसमें कॉर्न सिरप या गोल्डन सिरप में से कोई भी एक सिरप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें 2 टेबलस्पून ऐड होगा। साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह हिलाते जाना है कि ये बिल्कुल भी जो है पैन के साथ स्टिक ना हो। इसके साथ आप इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। क्रीम इसमें ऐड होगी 220 ग्राम्स। क्रीम डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह विस्क के साथ हिलाएं कि ये बिल्कुल कैरमल के साथ जो है वो एक फॉर्म में आ जाए, लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। आपने इस स्टेज पे जो है फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना कि क्रीम और कैरमल सोच है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ ही आप इसको हिलाते जाना है कि इसमें कोई भी क्रिस्टल जो बबल्स हैं वो बिल्कुल ना बने। आपने इसके बाद थोड़ा सा हाई फ्लेम पर 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने इसे कुक करना है। कुक करने के बाद ये एक थिक फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स मीन कि आपका कैरमल बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी भी बॉल में कन्वर्ट कर लें और एक जैसे ही थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आता है आप इसे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि हमारा कैरमल सॉस अच्छी तरह से सेट हो जाए। 1 घंटे बाद आप इसकी जो है टेक्सचर है वो देख सकते हैं कि बहुत प्यारा सा यमी सा टेक्सचर इसमें आ गया है। आप इसे केक की लेयरिंग में, ड्रिपिंग के लिए, सॉस के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम के लिए यूज़ हो सकता है, कैरमल विप क्रीम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप कैरमल सॉस बना के एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप इसे 2 मंथ्स के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड वॉच मोर वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।